तुम यहाँ पर क्राइम कर रही हो, मैंने इसकी कंप्लेन वगैरह सब करा एंड देन मुझे विद इन 5 आवर्स के अंदर अंदर मेल आ चुका था. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन. एंड प्लीज अवॉइड दिस खटर पटर ड्रिल ड्रिल की आवाज, क्योंकि मेरे पीछे बहुत खतरनाक काम चल रहा है, वर्कशॉप टाइप की चल रही है. एंड यू नो, अगर आपको कोई फर्नीचर कस्टमाइज करवाना है या कुछ करवाना है, सो वी आर सून गोइंग टू ओपन अवर ओन बिजनेस, सो डू लेट अस नो. और हमारे जो बिजनेस के क्रिएटिव हेड है वो है ये. हाय, बना कि नहीं बना? तो इसकी मैं और क्लिपिंग्स डाल दूंगी, बिकॉज काफी सारी चीजें विकी खुद ही रिकॉर्ड कर. आई वॉज जस्ट जोकिंग, हाँ, वो बिजनेस वाली बात, डोंट माइंड इट, अदरवाइज सच में मेरे पास मैसेजेस आने लगेंगे. सो यस, और अभी मैं जा रही हूँ एक्चुअली. मैंने अभी कल ही मैं ये शॉपिंग बैग लेकर के आई थी, दो भर भर के, जिसमें से एक शॉपिंग बैग मैं वापस लेकर के जा रही हूँ, बिकॉज इसके 4-5 सामान जो है वो मुझे एक्सचेंज करना है. क्या सामान मैं लेकर के आई थी उसके लिए आप वो वाला शॉपिंग हॉल देखिएगा मेरा. देख रहे हैं ये पूरा हम लोगों का, ये सब कुछ विक्की ने तैयार किया है और कुछ भी इसमें नया नहीं लगा है, राइट? हाँ. हमारा कुछ भी नया नहीं लगा है, सब पुराने से ही हम लोगों ने बनाया है. सो ये इतना छोटा हो चुका है टेबल, एंड आपको ओपन करके बताएंगे बाद में जब ये पूरी तरह से बन जाएगा. लुक एट द कंडीशन ऑफ माय हाउस. हाय गाइस, तो द अपडेट ऑफ द टेबल इज, मेरे पास इतने सारे इंस्टाग्राम डीएम्स आ रहे हैं टेबल को लेकर के, कि क्या अपडेट है, कितना पहुंचा है, कब आप शो करोगे. सो राइट नाउ एक्चुअली इसका पूरा काम जो है विक्की कर रहा है, बिकॉज मुझे इसका कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रही हूँ. वो मुझे कुछ बता देता है, स्क्रू यहाँ से टाइट करना है, यहाँ से खोलना है, यहाँ से ड्रिल करना है. पेंटिंग वाला काम पूरा मैं करने वाली हूँ, जो हम लोगों का, हम लोग अलग तरीके का पेंट करने वाले हैं वो मैं करने वाली हूँ. बट जो बेसिक कारपेंट्री वर्क हो रहा है वो पूरा विक्की ही कर रहा है, क्योंकि ही इज़ अ वर्किंग पर्सन और उसका जॉब रहता है 12 घंटे का, ट्रैवल इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, 2 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड देन 9 आवर्स की जॉब, फिर अगेन 2 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग. तो ऑब्वियसली वर्किंग डे में वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है. और रही बात वीकेंड्स पे, तो वीकेंड्स पे हो सकता है ये, तो थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि जितना ईजी ये लग रहा था हम लोगों को उतना ईजी डेफिनेटली नहीं है. डेफिनेटली मुझे खुद को आपसे ज्यादा, मुझे भी बहुत ज्यादा जल्दी है, आई एम वेरी ईगर कि जल्दी से बन करके कंप्लीट हो जाए, बट इट विल टेक टाइम. तो जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और जिनको मेरा स्किन केयर रूटीन पता है, उनको पता होगा कि मैंने कभी भी अपने स्किन केयर रूटीन में कभी भी कोई अंडर आई क्रीम या कुछ इस तरह का सेरम इंक्लूड नहीं किया है जो मेरे अंडर आईज के लिए हो. फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे कभी भी डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम, टचवुड, नहीं रहा है. सो यू नो, डार्क सर्कल्स बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से होते हैं, लाइक किसी का हेरिडिटरी होता है, किसी को स्ट्रेस की वजह से होता है, किसी को स्क्रीन के सामने काम करने की वजह से होता है. समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, आयरन की नहीं है, आयरन नहीं है आपके अंदर प्रॉपर, या जो भी है, बहुत सारे रीजंस की वजह से डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता है. समटाइम्स इट हैपन ड्यू टू एज एज वेल, एक आप एज पे आने लगते हो तो थोड़ा बहुत को आपकी स्किन में चेंजेस आना स्टार्ट हो ही जाते हैं. तो अभी रिसेंटली फ्रॉम लाइक 7-8 मंथ से मैं नोटिस कर रही हूँ, मेरा स्किन का ये जो चीक का कलर है एंड मेरा यहाँ का कलर ऑलमोस्ट सेम हुआ करता था, बट मुझे अब हल्का हल्का सा एक शेड डार्कर लगने लगा है, एक शेड लाइटर, मतलब मेरा जो स्किन का कलर है उससे एक शेड डार्कर मेरे अंडर आईज का कलर होने लगा है, विच आई थिंक मैं, क्योंकि स्क्रीन पे इतना काम नहीं करती हूँ, जैसे ऑफिस आज में तो हम बहुत ही ज़्यादा काम करते थे, राइट, बट अभी मैं इतना नहीं करती हूँ, उसके अलावा भी मेरी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं. हाँ, मोबाइल में मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट.
सो इट माइट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई एज मुझे ये थोड़ा सा यू नो मेरा शेड डिफरेंस होना स्टार्ट हो गया है. सो आई वॉज थिंकिंग टू बाय अ गुड आई क्रीम अंडर आई क्रीम. तो मैं बहुत सारी बार रिव्यूज देख रही थी नायका पे कि कौन सा अंडर आई क्रीम लेना चाहिए. मैं जनरली रिव्यूज देख करके ही मैं प्रोडक्ट परचेस करती हूँ. देन रिसेंटली मामा अर्थ सेंट मी दिस बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम. तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, लेकिन अगर मैं अभी से ही अपने आईज के ऊपर का ये वाला जो एरिया है, अपना जो अंडर आई एरिया है, इसका मैं अभी से ध्यान रखने लगूंगी तो आगे चल के इसकी सिचुएशन खराब नहीं होगी और ये जो डार्कनेस है ये ज़्यादा बढ़ेगी नहीं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ गुड अंडर आई क्रीम. सो बिकॉज मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जेन्युइनली काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मुझे काफ़ी पसंद भी हैं. आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. मैंने इसको एक से दो बार ही लगाया है. सो दिस This is for dark circles. तो आपको इसको करना क्या है, आपको सिर्फ पी ड्रॉप अमाउंट, पी साइज ड्रॉप जो अमाउंट है वो लेना है, लाइक बिल्कुल थोड़ा सा. इसको आपको डॉट 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 पैटर्न में अपने आई पे लगाना है, अंडर आई से लेकर के आपके ब्रो बोन तक, यहाँ तक लगाना है. एंड आपको रब नहीं करना है तेज तेज, बिल्कुल भी इस एरिया को रब नहीं करना है. आपको इसको सिर्फ इस तरह से डैबिंग मोशन में लगाना है, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्यूकम्बर है. क्यूकम्बर इज बेसिकली रिच इन विटामिन सी और इसके अंदर हाई वाटर होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है. क्यूकम्बर आपका जो मेलानाइन का प्रोडक्शन होता है अंडर आई के आसपास, उसको ये कम करता है. इसके अंदर डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, साथ ही साथ जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको कम करता है. इसके अंदर पेप्टाइड्स है जो कि अंडर आई को रिंकल फ्री एंड यंग दिखाता है. इसके अंदर हॉकवीड एक्सट्रैक्ट है जो कि डार्क सर्कल का जो अपीयरेंस होता है, जो डार्कनेस का अपीयरेंस होता है उसको कम करता है, स्किन को लाइटन अप करता है और जो डार्कनेस है उसको कम करता है. तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो काफी अच्छे हैं. एज वी ऑल नो दैट मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिलिकन, पैराबेन, केमिकल्स, मिनरल ऑयल इन सबसे फ्री होते हैं, बिल्कुल नेचुरली तरीके से बनाए जाते हैं. मामा अर्थ इज ऑल्सो अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड. जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल करते हैं. नाउ मामा अर्थ इज ऑल्सो अ पेटा सर्टिफाइड ब्रांड एज वेल. ये जो प्रोडक्ट है ये नायका और मामा अर्थ डॉट इन पर अवेलेबल है. सो इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा. मैं आप लोगों को कहीं लेके चलूंगी अपने साथ. तो यस, लेट्स गो. हाय गाइस, वेलकम बैक. सो टुडे इज फ्राइडे. मैं DIY बना रही थी एंड मैंने शूट किया है बिकॉज मैं बिल्कुल छोटा छोटा सा कुछ कुछ चेंजेस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई डाइनिंग टेबल. घर का जो सामान का प्लेसमेंट है वो डेफिनेटली चेंज हुआ है. तो ऐसे जब चेंज हुआ है तो छोटा छोटा सा डेकोर पीसेस चेंज करके और इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा वाइट हो रहा था. एंड मैंने जब वाइट किया था तब मैंने सोचा था कि मैं कलर्स ऐड करूंगी डेफिनेटली लेटर ऑन जब मुझे लगेगा. तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड फ्यू कलर्स, कुछ कॉम्बिनेशंस मैं ऐड करने वाली हूँ. तो अभी मैं जा रही हूँ थाने में, एक नया DIY स्टोर खुला है. तो मुझे DMs भी आए हैं एक दो लोगों के जो थाने में रहते हैं और मुझे जानते हैं पर्सनली उनके. एंड उसके साथ ही साथ मेरे कॉलोनी में भी एक दीदी रहती हैं, वो भी मुझे बता करके गई थी कि तुम वहाँ पर चेकआउट ज़रूर करना. सो आई एम जस्ट गोइंग देयर टू चेक आउट दैट प्लेस कि वो क्या है. काफ़ी कोरियन स्टाइल का DIY कुछ है वहाँ पर. तो अगर वो मुझे अच्छा लगता है एंड ऑल, अगर वहाँ शूट करने की परमिशन मिल जाती है आई डेफिनेटली गोइंग टू शूट इट. और अगर नहीं मिलती है तो मैं देख के आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में वो क्या है एंड ऑल दैट. सो यस, आई एम गोइंग देयर ओनली टू एक्सप्लोर. मैं ऐसे नई नई चीज़ें बहुत एक्सप्लोर करती हूँ अकेले जा करके. मैं भी विक्की को वही बोल रही थी कि मैं वहाँ जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग देयर. और फिर मैं वहाँ से आकर के आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी. तो ये जो प्लेस है इसका नाम है मिस्टर DIY. एंड आई रियली डोंट नो कि इस प्लेस का नाम DIY क्यों रखा गया है बिकॉज यहाँ पर DIY टाइप की कोई चीज़ नहीं थी. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारा हाउस होल्ड स्टफ लगा मुझे, मतलब जो घर पे सामान रहता है, घर का सामान है वो ही मुझे मोस्टली दिखा यहाँ पर. एंड काफ़ी सारी वेराइटी थी, यू नो आपको यहाँ पर जो भी हमको घर पर नीड होता है ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा. आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी सारी थी बच्चों के लिए. एंड देन यू नो आपको कार के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं एंड ऑल डेकोरेशन स्टफ, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी. तो मुझे कुछ भी यहाँ पर बहुत नया एंड बहुत वाव टाइप का नहीं लगा. इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्टोर विद नॉर्मल प्राइजेस, कोई चीप प्राइजेस भी नहीं थे यहाँ के. जैसे हर नॉर्मल स्टोर के होते हैं, सुपर मार्केट टाइप की जगह के होते हैं, उसी तरह का प्राइजेस था. सो आई डिडंट फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग, बट हाँ ठीक था ओवरऑल. इट्स ओके, गुड एक्सपीरियंस. Hi guys, so I'm back from जहाँ पे मैं गई थी वहाँ से. तो मैं basically जो आपने भी clippings देखा ना, मैं गई थी Mr. DIY, ये वाला जो shop है ये हमारे थाने में खुला है. So I
मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करा वहाँ पर. मतलब मुझे एक्चुअली मैं बहुत भूखी थी, मतलब मुझे भूख लग रही थी, तो जब मुझे भूख लगती तो आई डेंट एन्जॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर. सो यहाँ पर बेसिकली यू नो मिस्टर DIY में आपको सारी चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कम प्राइस में थी, प्राइस जैसे मिनीसो है ना, आपको लगता है कि वहाँ पर एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, बट एक्चुअली वो एक्सपेंसिव है, इतने ही प्राइस में बाहर भी मिलता है. तो वैसा ही मिस्टर DIY था. बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मेकअप का इस प्रोडक्ट का रिव्यू करो, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. मैं आपको अपना कलेक्शन दिखा सकती हूँ कि क्या क्या मैं यूज़ कर रही हूँ और जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें से क्या बेटर है, बट आई डोंट नो स्पेसिफिक रिव्यूज़ कि ये कैसा है वो कैसा है. तो अगर आपको इस तरह के रिव्यूज़ जानने हैं, सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन फॉलो दिस अकाउंट. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी. इस अकाउंट का नाम है swatchify.me. सो दिस इज़ द अकाउंट. This is the account, so you can follow this account. And she is a new blogger. I really like her content, the way she puts up product reviews. I really like that way. So you can follow her and you know request her as well कि इस product का आप review कर सकते हो, इस product का review कर सकते हो. So she can do it as well. Okay, अब जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ ना, अगर आप blogger हैं, new blogger हैं, अगर आप new YouTuber हैं या आप online platform पे हैं किसी पे and you faced bully या hate comment या harassment type का आप कुछ face कर रहे हैं, देन डेफिनेटली वॉच दिस पार्ट कंप्लीटली. तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए एक इंसिडेंस शेयर करती हूँ जो भी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था. तो जनरली मेरे पास ऐसे बुली कमेंट्स नहीं आते हैं. मुझे, मैं ये बोलूँगी इट लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, ऐसे डिस्ट्रक्टिव टाइप का मेरे पास नहीं आता है, बहुत हार्डली आता है. तो कंस्ट्रक्टिव भी कैसे कि यू आर, जैसे अभी जो मैंने Q&A वीडियो किया था उसी पे मैं बताती हूँ. तो उसमें अगर 98% मेरे पास पॉजिटिव कमेंट्स आए थे, तो ऑब्वियसली 2% लोगों ने, हार्डली आई थिंक 4 कमेंट्स ऐसे थे जिसमें से एक ने लिखा था आई फील यू अ बिट रूड, विच आई एक्सेप्टेड कि हो सकता है मैं किसी को रूड लगी हूँ उस वीडियो में, बिकॉज मैं कुछ आंसर्स लिटरली बहुत गुस्से में दे रही थी क्योंकि वो क्वेश्चन इस टाइप के थे. और एक दो लोगों ने और बहुत अच्छे से, बट उन्होंने पोर्ट्रे करके वो आंसर्स लिखे थे, विच आई टोटली अप्रिशिएट. मुझे इस तरह के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं डेफिनेटली उन पर कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने का. लेकिन कुछ कमेंट होते हैं जो बहुत अजीब होता है. फाइन, तो इस बंदी ने, जिस बंदी का मैं भी आपको बता रही हूँ, हर नेम वॉज प्रीति. मैं उसका पूरा नाम नहीं डिस्क्लोज कर रही हूँ क्योंकि अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, सेटलमेंट हो चुका है, सो दैट्स वाई. तो इस बंदी ने एक लंबा चौड़ा सा कमेंट लिखा. आपको याद होगा मैंने एक आंसर दिया था जिसमें मुझे इससे क्वेश्चन किया गया था आर यू प्रेग्नेंट, और मैंने बड़ा ऐसा आंसर दिया था कि क्लैप फॉर यू एंड ऑल दैट. तो उसने ये कमेंट लिखा कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन इजीली आंसर दिस येस और नो, आपको इतना बड़ा चढ़ा के ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी एंड ऑल. तो मैंने वो कमेंट पढ़ लिया था, बट मैंने उसका कोई रिवर्ट नहीं किया था, बिकॉज मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रिवर्ट करती हूँ. जब मुझे टाइम मिल जाता है मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई एक साथ करती हूँ, ऐसे एक एक करके रिप्लाई नहीं करती हूँ. तो उसी के नीचे किसी एक मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया होगा कि यू आस्क अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ नॉर्मल आंसर और अ पोलाइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन, ऐसे करके. तो उस बंदी ने, उस लेडी को जिसने मेरा सपोर्ट किया, उसको लिखा कि यू स्टे अवे चमची, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा. देन सेकेंड, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ कि योर नोज आउट ऑफ दिस, पता नहीं क्या क्या क्या, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली क्या बोला था उसने ये सब चीज़ें. इफ़ शी कैन शेयर हर मेकअप, हर शॉपिंग हॉल्स, हर पर्सनल लाइफ, देन वाई कांट शी शेयर प्रेगनेंसी एंड ऑल दीज थिंग्स. तब फिर मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने उसको लिख करके भेजा कि मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है, मुझे कितनी लाइन ड्रॉ करके रखनी, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ ही अब मेरी प्रोफेशनल लाइफ बन गई है, उसके बावजूद मुझे पता है कि मेरे को कितनी लाइन ड्रॉ करके रखनी है. तो मैंने उसको बहुत लंबा चौड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर मैसेज लिख करके भेजा. रिप्लाई आया दूसरी बंदी का कि रुचि, यू डोंट इग्नोर दीज काइंड ऑफ कमेंट्स, दे आर टिपिकल आंटी काइंड ऑफ. और मुझे भी लगा कि शायद ऐसा टिपिकल टाइप की कोई बड़ी लेडी होगी, आंटी टाइप का, जिसको शौक होता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो एंड ऑल दैट स्टूपिड स्टफ, जिनके दिमाग में चलता रहता है. फिर उस बंदी ने अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करना स्टार्ट करा, बहुत गंदी गंदी, खुद विमेन होकर के, वो विमेन ओरिएंटेड गालियाँ जो हमारे इंडिया में चलती हैं, वो सब गालियाँ उसने उस मैसेज में लिखना स्टार्ट किया. जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मेरा दिमाग आउट हो गया. मैंने लिखा कि नाउ यू आर डूइंग साइबर बुलिंग, तुम यहाँ पर क्राइम कर रही हो, दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज यू आर यूजिंग और ये और वो, तुम एक क्राइम कर रही हो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ. मैं उसको ये लिख करके भेजा एंड शी रिप्लाइड मी इन ईगो कि ओके गो अहेड. तो मैं लिटरली गो अहेड, मैंने करा, मैंने इसकी कंप्लेन वगैरह सब करा. एंड देन मुझे विद इन 5 आवर्स के अंदर अंदर मेल आ चुका था कि इसका IP एड्रेस, ये किस लोकेशन से बात कर रही थी, ये किस डिवाइस से मेरे को मैसेज कर रही थी,
किस शहर से ये बात कर रही थी और इसकी सारी पर्सनल डिटेल्स जो है वो मेरे पास आ चुकी थी। जब इसकी सारी पर्सनल डिटेल्स मेरे पास आई, मैंने प्रॉपर सोच के रखा था कि मैं इसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाली हूँ। मुझे उसी मैसेज के नीचे लिख करके भेजा कि सॉरी रुचि दी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम अ सीएस स्टूडेंट और मैंने आपको नहीं बोला था, मैंने इन लोगों को बोला था और ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई वाज शॉक्ड कि तुम सीए की स्टूडेंट हो, यू आर अ एजुकेटेड पर्सन एंड यू यूज दिस काइंड ऑफ अ शिटी लैंग्वेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड मैं तो मतलब मेरा तो दिमाग ही बोलती मेरा करियर खराब हो जाएगा, प्लीज कुछ एक्शन मत लेना, ये वो, आई एम रियली रियली सॉरी और ऐसे ऐसे करके। मैंने उसको लिखा मुझे सॉरी मत बोलो, जिनको तुमने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी है उनको सॉरी बोलो। एंड देन शी सेड सॉरी टू देम एज वेल। और फिर आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, ये अब आज के बाद तो ये इतनी डर चुकी। उसने फिर से मुझको लिखा कि मेरा करियर खराब हो जाएगा, मेरा सीए का है, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, प्लीज डोंट डू दिस, ऐसा आगे कुछ मत करना एंड ऑल दैट। तो आई वॉज लाइक ठीक है, आई थिंक ये इस पार्ट के बाद तो अब ये कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगी। तो जितने भी न्यू बर्निंग यूट्यूबर्स हैं मेरे या जितने भी न्यू ब्लॉगर्स हैं और वो लोग इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को, डोंट इग्नोर इट, ये कोई छोटी चीज नहीं है। वो लोग क्राइम कर रहे हैं इतनी गंदी गंदी चीजें बोल के, आपको हैरेस कर रहे हैं मेंटली या ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेक आईडीज बना करके आपको परेशान करते हैं और उठपटांग। देर इज ऑल्सो की कि आप ब्लॉक कर सकते हो, देर इज अर ऑप्शन कि आप ब्लॉक कर सकते हो, बट आप ब्लॉक करोगे तो वो किसी और के चैनल पे जाकर के गंदगी मचाएगा। सो इट्स बेटर टू टीच देम अ लेसन। देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो साइबर क्राइम साइबर बुलिंग के ऊपर। सो जस्ट गो एंड रीड द आर्टिकल्स एज वेल। आप गूगल करोगे आपको बहुत सारी चीजें सामने आएगी। मैंने कैसे किया क्या किया वो डिटेल्स आई एम रियली सॉरी मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं शेयर कर सकती हूँ, बट हाँ आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा ऑलरेडी। ओके सो दैट्स इट, नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक अपडेट अबाउट दिस डाइनिंग टेबल। तो बेसिकली ये जो डाइनिंग टेबल है ये अभी इतना रेडी हो गया है और ये यहाँ से इस तरह से ओपन होता है, वेट लेट मी शो यू लाइक दिस। तो इतना पार्ट इसका हो चुका है। Now, that's it for my video. Happy weekend to all of you. But ये weekend पे नहीं जाएगा video. Most probably this video will go up on my channel on Tuesday. Because पहले से pre-planned होते हैं मेरे videos, तो Sunday तक के videos मेरे already planned हैं. तो ये वाला जो video आज मैं shoot कर रही हूँ, this will go up on my channel on Tuesday. So yes, that's it. I hope you like my video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel, and comment down below. And I'll meet you in my next video. Till then, bye.